हेलो एवरीवन सो हाय दिस इज सौरभ रैना इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर की इस चैप्टर के हम लास्ट टेन इयर्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये वन मार्क्स के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन है नेम द मेटीरियल यूज एज मेट्रिक्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरिस एंड मैंशन इट रोल टू का क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरिस में ना हम डीएनए की सेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो एनोड की तरफ मूव करता है और इसमें ना हम मीडियम लेते हैं जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं तो एगरोज है वो कॉमनली यूज मैट्रिक्स है इन डी एन ए ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि या इसमें होता है सीविंग इफेक्ट सीविंग इफेक्ट मतलब कि ये ना पोरस होता है एज ए रिजल्ट डीएनए ना इसमें मूव कर सकते हैं सो सीविंग इफेक्ट की वजह से हम डीएनए के इसमेंट को सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज सेकेंड क्वेश्चन है नेम द इनजाइन दैट आर यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल सेल फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू थाउजेंड फोर्टीन का क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए ना हमें आइसोलेट करना पड़ता है डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल सेल तो इसके लिए हमें इन दोनों का सेल वॉल को ब्रेक करना होता है तो इसके लिए हम डिफरेंट एंजाइम्स यूज कर सकते हैं तो बैक्टीरियल सेल के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं लाइसोजाइम तो ये इसकी सेल वॉल ब्रेक कर देता है फंगल सेल की सेल वॉल ब्रेक करने के लिए हम काइटनेस एंजाइम यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट द टू कंपोनेट ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्टेड बाय कोहेन एंड बोयर

ये नॉर्मली जो प्लाजमिट है ना वो सेल डिवीजन और ग्रोथ में हेल्प नहीं करता ये बाकी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो हमने क्या लिया इसका प्लाजमिट लिया और इसमें हमने क्या डाल दिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसके साथ हमने जोड़ दिया प्लाजमिट के साथ एज ए रिजल्ट हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया क्वेश्चन नंबर फोर है नेम द होस्ट सेल इन विच माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक इज यूज टू इंट्रोड्यूस एन एलियन डी एन का क्वेश्चन है माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है हम इंजेक्शन से डायरेक्टली ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए न्यूक्लियस में डाल सकते हैं सेल का तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल तो एनिमल सेल के न्यूक्लियस में हम डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल सकते हैं यूजिंग माइक्रो इंजेक्शन क्वेश्चन नंबर फाइव है ए होस्ट सेल मस्ट बी मेड कॉम्पिटेंट बिफोर इट इज एबल टू रिसीव एन आर डी एन एम्बिनेट डीएनए जस्टिफाइडेंड ट्वेंटी टू का क्वेश्चन है अब जो होस्ट सेल होता है ना वो क्या करते हैं हम उसे रिकॉम डीएनए होस्ट सेल को हम देते हैं ठीक है और उससे पहले हम होस्ट सेल को ना कॉम्पिटेंट बनाते हैं ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है इट कैनोट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन क्योंकि सेल मेम्ब्रेन होस्ट सेल का जो होता है उसका अंदर वाला पोर्शन हाइड्रोफोबिक होता है तो डीएनए ना सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता सेल इज मेड कॉम्पिटेंट तो हम ना सेल को कॉम्पिटेंट करते हैं ताकि वो इजिली डीएनए को एक्सेप्ट कर ले तो हम ना सेल को ना ट्रीट करते हैं स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन ऑफ डाइवेट से हम ट्रीट कर सकते हैं जैसे कैल्शियम ताकि वो इजिली डीएनए को एक्सेप्ट कर ले क्वेश्चन नंबर सिक्स है मेंशन द टाइप ऑफ होस्ट सेल सुबल फॉर द जीन गन हमें बताना है कौन सा होस्ट सेल है वो सुटेबल है जीन गन जिससे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एलियन डीएनए और फॉरेन डीएनए 2014 का क्वेश्चन है जीन गन क्या होता है हम माइक्रो पार्टिकल लेते हैं गोल्ड या टंगस्टन के उसके अराउंड हम कवर करते हैं डीएनए का और हाई स्पीड से वो जो पार्टिकल्स हैं वो हम सेल को हिट करते हैं एज ए रिजल्ट जो सेल है ना वो एलियन डीएनए एक्सेप्ट कर सकता है हमें होल सेल बताना है जो प्लांट होस्ट सेल है ना वो सुटेबल होता है फॉर द जीन गन टू इंट्रोड्यूस एन एलियन डीएनए तो प्लांट होस्ट सेल में हम जीन गन यूज करते हैं नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप वन क्वेश्चन ये मार्क्स के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन का ए पार्ट है राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ सोर्स ऑर्गेनिज्म ऑफ द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर 2023 का क्वेश्चन है पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसमें हम मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बना सकते हैं और हमें ना इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल चाहिए तो हम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं और इसका सोर्स ऑर्गेनिज्म हमें बताना है इसका सोर्स ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस ये जो बैक्टीरिया है ना ये हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है एज ए रिजल्ट हाई टेम्परेचर में इसका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो स्टेबल रहता है बी पार्ट है

तो पॉलीमराइजेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेस यूज होता है क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस है हाई टेंपरेचर पे हो रहा है सो दैट्स व्हाई हमें थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेस चाहिए क्वेश्चन नंबर एट है राइट द बेसिस ऑफ नेमिंग द रिस्ट्रिक्शन एंडो इको आर 2020 का क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्शन एंडो ना कुछ इंजाइम होते हैं जो डीएनए की सेगमेंट को ना कट कर सकते हैं तो ना हमें ईको e आर वन का बेसिस ऑफ नेमिंग बताना है सबसे पहले जो फर्स्ट लेटर है वो आया है इस जीनस से तो ई e यहां से आया जो सेकंड टू लेटर्स हैं वो आए हैं स्पीशीज कोलाई से ऑफ प्रो सेल फ्रॉम विच इनजाइम इज आइसोलेटेड क्योंकि ये ई e कोलाई से आइसोलेट किया गया था तो उसकी स्पीशीज कोलाई है तो उससे सी ओ लिया गया आर रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ द स्ट्रेन कौन से स्ट्रेन से ये डिराइव हुआ था आर वन थ्री, और जो वन है ये एक रोमन नंबर है जो इंडिकेट करता है ऑर्डर इन विच इंजाइम वॉज आइसोलेटेड क्वेश्चन नंबर है स्टेट हाउ हैज हैज बीन मेड ए यूजफुल क्लोनिंग वैक्टर टू ट्रांसफर डी एन ए टू प्लांट सेल टू थाउजेंड फोर्टीन का क्वेश्चन है जो एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशन है ना इससे हम डिजायर डी एन ए प्लांट में ट्रांसफर कर सकते हैं तो ये एज ए क्लोनिंग वैक्टर काम करता है Naturally, जो एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशन है ना वो इन्फेक्ट करता है प्लांट के टिश्यू को और उसमें ट्यूमर कॉज करता है बाय इंटीग्रेटिंग इट्स डीएनए विद द होस्ट जीनोम तो प्लांट के जीनोम के साथ ना अपना डीएनए ये कंबाइन करता है और ये ना ट्यूमर कॉज करता है क्योंकि उसमें ना ट्यूमर कॉजिंग जीन्स प्रेजेंट होते हैं

तो प्लांट के जीनोम के साथ ना डिजायर जींस जुड़ जाते हैं एज ए रिजल्ट क्या होता है जो है वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इस मेथड टू डिटेक्ट रिकॉम डीएनएन दू था का सिलेक्टेबल मार्कर है इसमें हम नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिकॉम्बिनेंट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन रेफर टू द प्रोसेस वेयर इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए विद इन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ इंजाइम सपोज हमारे पास एक बैक्टीरिया उसमें प्लाजमिट है जो प्लाजमिट है ना उसमें कोडिंग सीक्वेंस ऑफ इंजाइम है एग्जाम्पल जैसे बीटा गलेक्टोसीडिस तो वो बैक्टीरिया ना ये इंजाइम प्रोड्यूस कर पाएगा हमने क्या किया इस इंजाइम की सीक्वेंस की जगह ना हमने रिकॉम्बिनेंट डी एन ए डाल दिया तो इस सीक्वेंस को हमने रिकॉम्बिनेंट डी एन ए से रिप्लेस कर दिया एज ए रिजल्ट क्या होगा अब उस बैक्टीरिया में इस एंजाइम की जींस प्रेजेंट नहीं है तो ये जो एंजाइम है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा तो मतलब वो बैक्टीरिया ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा और वो बैक्टीरिया क्या होगा रिकॉम्बिनेंट होगा जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा ना उसमें क्या है कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट नहीं है तो वो बीटा गिलेक्टोसिडिस प्रोड्यूस कर पाएगा एज ए रिजल्ट वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा इन क्रोमोजेनिक सब्सटेंस और जो रिकॉम्बिनेंट होगा उसमें क्या हुआ है उसमें ये प्रेजेंट नहीं है क्योंकि उस इंजाइन की सीक्वेंस की जगह रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है सो so, अगर आप उसको ग्रो करोगे ना क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में तो ये कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा सो so, जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है है ये एक्ट एज कर रहा ए मार्कर मार्कर मतलब कि नॉन रिकॉम्बिनेंट कलर प्रोड्यूस कर रहा है मतलब रिकॉम्बिनेंट कोई कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से क्वेश्चन नंबर इलेवन है हाउ इज एन एक्सो न्यूक्लियस फंक्शनली डिफरेंट फ्रॉम एन एंडो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एंडो न्यूक्लियस का क्वेश्चन है जो एक्जो न्यूक्लियस है ना ये एक तरह का इंजाइम होता है दैट रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए अगर डीएनए प्रेजेंट है ना तो उसके एंडिंग वाले पोर्शन से वो क्या करता है न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है ये भी इंजाइम है

साइट होती है अगर आप यहां से यहां पढ़ोगे यहां से यहां पढ़ोगे तो दोनों तरफ ये सेम है जी ए ए टी टी सी जी ए ए टी टी सी तो दोनों तरफ जो साइट सेम होती है इसे साइट है तो इको आर्बन सबसे पहले ये लीट करेगा और इसे कट करेगा अवे फ्रॉम द सेंटर बिटवीन द टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्टैंड तो जैसे यहाँ पे जी और ए के बीच में कट लगाएगा अवे फ्रॉम द सेंटर और यहाँ पे भी जी और ए के बीच में ये कट लगाएगा

सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो स्टिकी एंड से हम क्या कर सकते हैं इसको हम जोड़ सकते हैं वेक्टर के साथ हम वेक्टर में भी क्या करेंगे इको आर वन से वहां पे भी कट लगाएंगे तो वहां पे भी एक कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा स्ट्रैंड होगा तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं तो स्टिकी एंड से हम दो स्टैंड को कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजाइन लाइक नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है नेम डिस्क्राइब द टेक्निक दैट हेल्प इन सेपरेटिंग द डीएनए फ्रेगमेंट फॉर्म बाय द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस टू थाउजेंड फिफ्टीन का क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से हमें डीएनए का फ्रेगमेंट मिलता है अगर हमें उसे सेपरेट करना है ना तो हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरिस सो इट इज ए टेक्निक डी एन ए फ्रेगमेंट फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस द फ्रैगमेंट ऑफ डी एन ए आर प्लेस इन ए टिपिकल तो ना ये जो होता है ना ये एक मैट्रिक्स होता है इसमें हम डीएनए की फ्रेगमेंट डालते हैं ये ना पोरस होता है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं अब जो डीएनए की फ्रेगमेंट है ना वो मूव करती है टुवर्ड द एनोड क्योंकि जो वो फ्रेगमेंट्स होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज तो वो ना साइज के बेसिस पे सेपरेट होते हैं साइज सेपरेट agarose gel. Agarose gel हो जाती है स्मॉलर द फ्रेगमेंट जो छोटी फ्रेगमेंट होती है फर्दर इट मूव तो वो काफी दूर मूव करती है और जो लार्जर सेगमेंट है वो पास में रहती है और जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट है ना उसे हम स्टेन कर सकते हैं इथीडियम ब्रोमाइड के साथ फॉलोड एक्सपोजर टू ट रेडिएशन तो हम यूवी रेडिएशन से एक्सपोजर देते हैं अब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है ना यूवी रेडिएशन से ना वो ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं और उसे हम कट कर सकते हैं दे आर कट आउट फ्रॉम द एग्रो जेल और उसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जेल के पीस से और ये जो स्टेप है इसे हम इल्यूजन कहते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है ऑब्जर्व द डायग्राम शोन बिलो ऑफ पीबीआर थ्री टू टू ये पी बी आर थ्री टू टू का डायग्राम है हमें बताना है आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पहले दिया हुआ है व्हाट इज पीबीआर 322 थ्री टू टू ठीक है ये क्या है एक फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है ये इ e. कोलाई के वेक्टर से बनाया गया है ठीक है इसे बनाया था 1977 में बोलीवर एंड रोड्रिगस ने व्हाट इज द रोल ऑफ आर ओ पी यहां पर आपको ना आर ओ पी दिखता है यह क्या होता है सेगमेंट ऑफ ये कुछ एस होती है

तो दोनों जींस ना उसे एंटीबायोटिक से प्रोटेक्ट करती है एंपिसलिन एंड टेट्रासाइक्लिन तो इन दो जींस को हम ना सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हैं इसका मतलब क्या हम इन जीन की वजह से ना हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है कैसे करेंगे सपोज हमारे पास ये जीन्स है हमने क्या किया अगर नॉर्मली बैक्टीरिया को हम ग्रो करेंगे ना इन एंटीबायोटिक्स में वो ईजिली ग्रो कर लेगा

मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है इसका ए पार्ट है नेम द मोस्ट कॉमनली यूज बायो रिएक्टर एंड वाई आर दिस बायो रिएक्टर यूज टू थाउजेंड नाइनटीन का क्वेश्चन है बायो रिएक्टर ना एक बड़ा सा वेसल होता है उसमें हम एक कल्चरल मीडियम लेते हैं उसमें हम बैक्टीरियल सेल प्लांट सेल एनिमल सेल ग्रो कर सकते हैं जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है जब वो ग्रो करता है ना तो वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है इंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है और हमें चाहिए लार्ज स्केल में तो हम बायो रिएक्टर यूज करते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज बायो रिएक्टर है वो है स्टर टैंक बायो रिएक्टर इसमें कॉन्स्टेंट स्टेयरिंग होती मतलब मिक्सिंग होती है दीज बायो रिएक्टर आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ तो इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक इंजाइम्स बी पार्ट है हाउ इज द ऑपरेशन इन ए बायो रिएक्टर कैरिड आउट डिजायर एंड प्रोडक्ट तो कैसे हम इसमें ऑपरेशन करें ताकि हमें डिजायर एंड प्रोडक्ट मिलेक्टर होता है बायो रियक्टर या क्या होता है टू फेसिलिटेट मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट हम चाहते हैं कि रिएक्टर में जो भी कंटेंट है जो भी मीडियम है वो अच्छे से मिक्स हो द स्टर फेसिलिटेट इवन मिक्सिंग इसमें इवन मिक्सिंग हो जाती है एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी तो ऑक्सीजन थ्रू आउट क्या रहता है अच्छे से अवेलेबल रहता है बायो रिएक्टर में ऑल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल थ्रू द रिएक्टर तो ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं उसमें हम एयर भी बबल कर सकते हैं बायो रिएक्टर में ना एजिटेटर सिस्टम होता है मतलब स्टेयरिंग के लिए एक पूरा मैकेनिज्म होता है सिस्टम होता है ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए एक सिस्टम होता है फोम कंट्रोल सिस्टम होता है अगर फोम बन जाए ना तो वो ना ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर सकता है तो हमें फोम को भी कंट्रोल में रखना है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सेल को ग्रो कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी कंट्रोल रखेंगे और पीएच को कंट्रोल करने के लिए भी सिस्टम रखेंगे सैंपलिंग पोर्ट सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विद्रॉ पीरियोटिकली सैम्पलिंग पोर्ट से क्या करेंगे हम टाइम टाइम पे ना थोड़ा सा जो मीडियम है कल्चरल मीडियम वो क्या करेंगे विड्रॉ करेंगे ताकि हम चेक कर पाए जो हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो ठीक से बन रहा है या नहीं बन रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का ए पार्ट है राइट द पेलड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इको आर वन रिकोगनाइज टू थाउजेंड ट्वेंटी का क्वेश्चन है जो इको आर वन है वो रिकोगनाइज करता है एक पेलेंड्रोमिक साइट जो होता है जी ए ए टी टी सी अगर आप यहाँ से यहाँ पढ़ोगे अगर आप यहाँ से यहाँ पढ़ोगे दोनों तरफ से ये जी ए ए टी टी सी सो इसे हम पेलेंड्रोमिक साइट है जो ये इनजाइम रिकोगनाइज करता है बी पार्ट है ड्रॉ द वैक्टर डीएनए एन ए फॉर डी एन ए शोइंग द साइट वेयर इको आर वन हैज एक्टेड टू फॉर्म द स्टिकी एंड हमारे पास ना वेक्टर डीएनए है और फॉरेन डीएनए है अब दोनों में क्या होता है सेम साइट प्रेजेंट होती है जी ए ए टी टी सी जी ए ए टी टी सी तो इंसाइम ना दोनों को ना रिकॉग्नाइज कर सकता है हम चाहते हैं कि जो इसमें ना फॉरेन डीएनए में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है हम वेक्टर में ट्रांसफर कर दें अब ये जो इको आरवेन है ना ये कट लगाता है दोनों में ये जी और ए के बीच में कट लगाता है यहां पे जी और ए के बीच में कट लगाएगा यहां पे भी जी और ए के बीच में कट लगा देगा रिजल्ट क्या होता है? हमारा एक लॉन्ग क्या बनता है सिंगल स्टैंड बनता है यहां का कॉम्प्लीमेंट्री था तो कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये आपस में क्या बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे और इसमें हेल्प करता है इनजाइम डीएनए लाइक सी पार्ट है दैट हेल्प इन फॉर्मिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए कौन से इंजाइम की जरूरत है सबसे पहले डीएनए की सेगमेंट को कट करना पड़ता है तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की जरूरत है उसके बाद फाइनली हमें उसको जोड़ना पड़ता है तो हमें रिक्वायरमेंट होती है लाइगेस लाइगिसम की क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है गिव रीजन वाई फर्स्ट पार्ट है डीएनए कैन नॉट पास इन टू होल सेल थ्रू सेल का क्वेश्चन है जो डीएनए होता है ना वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है इट कैन नॉट पास थ्रू सेल सेल में ना लिपिड की बाई लेर होती है जो हाइड्रोफोबिक होती है सो एज ए रिजल्ट डीएनए पास नहीं कर पाता सो हो सेल मस्ट बी मेड केपेबल टू टेक अप डीएनए तो हम हो सेल को ना कॉम्पिटेंट करते हैं ताकि वो डीएनए ले ले सेकंड पार्ट है प्रोटीएस आर एडेड ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम आइसोलेट करते हैं डीएनए को हम चाहते हैं कि डीएनए के साथ ना प्रोटीन ना आए तो हम प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं

अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट हुआ ना तो एंडोन्यूक्स क्या कर सकता है एक से ज्यादा जगह कट कर सकता है तो एक से ज्यादा क्या हो जाएंगी क्लोनिंग साइट हो जाएगी द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल क्रिएट सेवरल फ्रेगमेंट क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक से ज्यादा जगह कट करेगा विच कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग प्रोसेस तो जीन क्लोनिंग में क्या होगी डिफिकल्टी आएगी टू अवॉइड दैट सिंगल क्लोनिंग साइट इज प्रेफर्ड इन तो उसको अवॉइड करने के लिए सिंगल क्लोनिंग साइट जो है वो प्रेफर होता है मैथड टू इंक्रीज दियल सेल हम कॉम्पिटेंसी इंक्रीज करना चाहते हैं बैक्टीरियल सेल मेम्रेन की ताकि वो टेकअप कर ले रिकॉम्बिनेट डीएनए को टू थाउजेंड नाइनटीन का क्वेश्चन है द रिकॉम्बेंट डीएनए कैन बी फोर्स इन टू दैक्टीरियल सेल तो रिकॉम्बेंट डीएनए को हम फोर्स कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल में ट्रीटेड विद डायवेलेट केटाइन तो सबसे पहले उसे ट्रीट करेंगे डायवेलेट केटाइन जैसे कैल्शियम से उसके बाद बैक्टीरियल सेल को ना हम इंक्यूबेट करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ ऑन आइस तो आइस पे इंक्यूबेट करेंगे दिस इज टू बी फॉलोड बाई प्लेसिंग इट ब्रीफली एट फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस उसके बाद सडनली हम क्या करेंगे उसे रखेंगे डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसे हीट शॉक कहते हैं एंड देन पुटिंग इट बैक ऑन आइस तो उसके बाद हीट शॉक के बाद वापिस उसे आइस पे रख देंगे दिस प्रोसेस वुड इनेबल इस प्रोसेस से क्या होगा जो बैक्टीरिया है दैट विल टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डी एन ए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है का क्वेश्चन है। हमें foreign gene product चाहिए, तो तो हम हम क्या steps लेंगे? तो recombinant DNA technology को हम यूज करके कर सकते हैं फॉरन जीन प्रोडक्ट सबसे पहले ना हम आइसोलेट करते हैं जेनेटिक मटीरियल यूजिंग एंजाइम हम सेल वॉल को ब्रेक करते हैं प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं और डीएनए को आइसोलेट करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड कटिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम द स्पेसिफिक लोकेशन यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो ना डीएनए को कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से सेपरेटिंग द द ऑफ डीएनए डीएनए तो की fragments को सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस से ताकि हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमें जीन चाहिए वो मिल जाए एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से ना हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की इसे एम्प्लीफिकेशन कहते हैं एडिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट हो हम ऐड करेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट को सुटेबल वेक्टर में और उसको ऐड करने के लिए हम लाइगेंस इंजाइम का यूज करेंगे और जो अब हमारा डीएनए बनेगा उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल जो होस्ट सेल है ना उसे हम कॉम्पिटेंट करेंगे और उसमें ना हम इंसर्ट करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट तो हम सिलेक्ट करेंगे रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से यूजिंग सेटेबल मार्कर और उसके बाद हम कल्चर करेंगे रिकॉम्बिनेंट सेल को इसमें हम बायो रिएक्टर लेंगे जिसमें हम लार्ज स्केल में क्या कर सकते हैं कल्चरल मीडियम प्रोवाइड करेंगे अंडर सुटेबल कंडीशन टेम्परेचर हम दे सकते हैं पी एच प्रॉपर ऑक्सीजन देंगे एंड ऑप्टेन द डिजायर फॉरन जीन प्रोडक्ट तो हम डिजायर फॉरन जीन प्रोडक्ट ऑप्टेन कर सकते हैं जैसे इंजाइम एंड प्रोटीन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का ए पार्ट है स्टेट द रोल ऑफ बायोलिस्टिक गन इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट 2016 का क्वेश्चन है। बायोलिस्टिक गन से हम क्या कर सकते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं एलियन डीएनए को हो सेल सुटेबल फॉर प्लांट्स तो प्लांट के सेल में हम एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सेल्स आर माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विद डीएनए मॉलिक्यूल हम ना माइक्रो पार्टिकल्स लेते हैं गोल्ड एंड टंगस्टन के इसे हम कोट करते हैं मतलब सराउंड करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल से और उसे बम्बार करते हैं मतलब हिट करते हैं सेल को विथ हाई बिलोसिटी एज ए रिजल्ट ना जो सेल है वो फॉरन डी को एक्सेप्ट कर लेता है और इस मेथड को बायोलिस्टिक और जीन गन भी कहते हैं बी पार्ट है नेम टू कॉमनली यूज बायो रिएक्टर दो कॉमनली यूज बायो रिएक्टर बताने हैं फर्स्ट है सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर

दो नेचुरली क्लोनिंग वेक्टर जो नेचर में प्रेजेंट है एक है प्लास्मिड ये क्या होता है एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल डीएनए होता है ये हम बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकते हैं और एक बैक्टीरियो फेज होता है जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं तो ये दो नेचुरली अक्रिंग क्लोनिंग वैक्टर है गिव रीजन दैट मेक दैम एक्ट एज ए क्लोनिंग वैक्टर क्लोनिंग वैक्टर में हम क्या कर सकते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं और इसे हम होस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं हैव एबिलिटी टू रेप्लीकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल तो ये दोनों क्या कर सकते हैं रेप्लीकेट कर सकते हैं बैक्टीरियल के सेल में और हाई कॉपी नंबर बनाते हैं विद इन द बैक्टीरियल सेल नेक्स्ट है राइट द टू करेक्टरिस्टिक द इंजीनियर वैक्टर आर मेड टू प्रोसेस तो इनमें दो क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए सबसे पहले जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है और फॉरेन डीएनए है वो इजिली क्या होना चाहिए लिंक होना चाहिए सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट तो हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सिलेक्ट कर पाए यूजिंग मार्कर तो इनमें ना सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जिससे हम रिकॉम्बिनेंट हो सेल को आइडेंटिफाई कर पाए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड का ए पार्ट है सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरेक्टर आर यूज टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन स्टेयरिंग द कंटेंट एंड मिक्सिंग इट राइट एनी फॉर एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टर टैंकेंड ट्वेंटी है जो टैंक बायो रिएक्टर है उसके हमें चार एडवांटेज बताने हैं सबसे पहले द स्टर टैंक बायो रिएक्टर प्रोवाइड बेटर एरिएशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टी तो इसमें बेटर ऑक्सीजन मिलता है और कल्चर को हम ऑक्सीजन के साथ अच्छे से मिक्स कर सकते हैं फॉर रेगुलेटिंग द फोम जब फोम बन जाता है ना वो ऑक्सीजन का सप्लाई क्या कर सकता है कट कर सकता है तो यहाँ पे फोम ब्रेकर प्रेजेंट होता है ज कंट्रोल सिस्टम दैट रेगुलेट तो एक कंट्रोल सिस्टम है जो रेगुलेट करता है टेम्परेचर एंड पी ताकि ऑप्टिमम कंडीशन मिले सेल के ग्रोथ के लिए फॉर सैंपलिंग और टेस्टिंग स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी टेकन आउट ऑफ द रिएक्टर तो सैंपलिंग और टेस्टिंग के लिए ना हम थोड़ा सा कल्चर निकाल सकते हैं ताकि हम देख पाए कि की प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है ट्वेंटी सेकेंड का बी पार्ट है आफ्टर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट ऑफ द बायो स्टेज कैनॉट बी मार्केटेड डायरेक्टली बाय गिव टू डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में ना हमारा सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट को डायरेक्टली हम मार्केट में नहीं बेचते ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट में ना फॉर्मुलेट करते हैं विथ सुटेबल प्रेजर्वेटिव तो इसमें हम प्रेजर्वेटिव डाल के इसको ना लाइफ को इंक्रीज करते हैं ताकि ये जल्दी खराब ना हो जाए फॉर्मुलेशन हैजू अंडर गो थरो क्लिनिकल ट्रायल एज इन केस ऑफ ड्रग्स अगर ड्रग्स बना रहे हैं ना तो उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत होती है ये इसलिए होता है ताकि हम पता कर पाए कि जो ड्रग बना है उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड का ए पार्ट है गिवन बिलो इज द स्टेप बाई स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरिस हमें ये डायग्राम दिया हुआ है हमें आइडेंटिफाई करना है अल्फाबेट रिप्रेजेंटिंग हमें यहाँ पे बहुत सारे अल्फाबेट दिए हैं हमें बताना कौन सा अल्फाबेट एनोड का एंड रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉलेस्ट डीएनए मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एग्रोस चैन सबसे पहले कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है एनोड का एंड तो जो डीएनए की फ्रेगमेंट है वो मूव करती है एनोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ तरफ मूव करिए तो जो एस होगा वो एनोड होगा

एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स कैरिड आउट इन पॉलिमरेज चेन रिएक्शन एंड द स्पेसिफिक रोल ऑफ द इन्जाइम यूज टू थाउजेंड ट्वेंटी का क्वेश्चन है जो पी सी आर होता है उसे हम पॉलिमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं फॉलोइंग स्टेप्स में होता है सबसे पहले ना हमारे पास ना डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है हम उसकी क्या करते हैं डीनेचुरेशन करते हैं द डबल स्टैंडर्ड डीएनएज डी नेचर बाय अप्लाइंग हाई टेम्परेचर हम हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं एज ए रिजल्ट क्या होता है हीटिंग रिजल्ट इन सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ डी एन ए तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है ना बेसिस की वो ब्रेक हो जाती है और दोनों क्या है? हो जाते हैं। इस काम करते हैं है, हम है? हमारे पास दो सेट ऑफ प्राइमर होते हैं प्राइमर होता है स्मॉल ऑलिगो तो मतलब स्मॉल की चेन होती है इसे हम एड करते हैं मीडियम में ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए एन एंड थ्री प्राइम एंड तो ये हमारी दो टैंपलेट थी तो यहां पे थ्री प्राइम एंड पे दोनों प्राइमर जो है वो जुड़ जाते हैं क्योंकि इस इन जगह से वो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टेम्पलेट के थर्ड है एक्सटेंशन जो डीएनए पॉलीमरेज है ना वो क्या करता है एक्सटेंड करता है प्राइमर को प्राइमर को दोनों तरफ एक्सटेंड करता है बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू द तो न्यूक्लियोटाइड दोनों तरफ वो एड करता है तो इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है उसे हम टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है मतलब हाई पे भी स्टेबल रहता है एज रिजल्ट हमारे दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारा ज्यादा डीएनए बने तो ये जितने भी हमने स्टेप्स किए हैं ये तीनों स्टेप्स हम बार बार रिपीट करेंगे एज ए रिजल्ट हमें सेवरल कॉपीज मिल जाएंगी डीएनए की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का बी पार्ट है मेंशन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेकंड है डायग्नोस्टिक बाइड टेक्नोलॉजी में ना हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की और हम उसे यूज कर सकते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में हम उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं सेकंड है डायग्नोस्टिक हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं डिजीज की जब टॉक्सिन का जो लेवल है वो कम है बॉडी में हम उसकी तब भी डिटेक्शन कर सकते हैं हम डायग्नोस कर सकते हैं स्पेसिफिक म्यूटेशन इन जीन्स तो कोई स्पेसिफिक म्यूटेशन है तो उसे भी हम पता कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में हमें ना प्लास्म दिया और हमें चार क्वेश्चन पूछे हैं पहला क्वेश्चन है वट डूको आर वन बैम एच वन एंड हिंद थ्री रिप्रेजेंट स्टेट देयर फंक्शन जो इको आर वन है बैम एच वन है और हिंद थ्री तो आपको यहाँ पे ये तीनों दिखेंगे ये ना रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स होते हैं they recognize specific site within the dna तो dna में ना एक पर्टिकुलर साइट को ये रिकॉग्नाइज करते हैं और कट करते हैं इन साइट्स को तो यहाँ पे जो eco r1 है hind 3 है एंड bam h1 है ये वो साइट है जहाँ पे ये इस प्लास्मिड को कट करेंगे सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई जीन्स यू वुड सेलेक्ट फॉर द रोल ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर इन pbr322 एक्सप्लेन व्हाई तो हम कौन सी जीन्स को लेंगे सेलेक्टेबल मार्कर के लिए तो प्लासमिट पीबीआर थ्री टू टू में ना दो रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है एक होता है एम्पीसिल रेजिस्टेंट ए एम पी आर तो ये वाली जो सेगमेंट है ए एम पी आर है एंड टेट्रा रेजिस्टेंट जीन होती है विच इज टी आर -E यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम ना सिलेक्टेबल मार्कर कंसिडर करते हैं द प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रिमिट एंड ईजी सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द रिकॉम्बिनेंट सपोज हमें ना इसमें ना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है यहाँ पे क्या पी एस टी वन तो यहाँ से हम कट लगा के ना एम्पेसिल रिसिस्टेंट जीन को रिमूव करके ना अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डालेंगे ठीक है और जो ये बैक्टीरिया होगा नॉर्मली वो एम्पिसिन और टेट्रासाइक्लिन में दोनों में ग्रो करेगा क्योंकि उसके पास दोनों जीन्स हैं अगर आपने एम्पेसलिन जीन्स को हटा दिया और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया और जब आप इस बैक्टीरिया को एम्पसिलीन पे ग्रो करोगे तो ये ग्रो नहीं होगा क्योंकि ये जीन हट चुका है तो एज ए रिजल्ट हम रिकॉम्बिनेंट जिनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है

एनी फ्रेगमेंट ऑफ डी एन एन लिंक टू ओ आर आई रीजन कैन बी इनिशिएट अगर आपके साथ कोई भी फ्रेगमेंट लिंक करोगे जैसे आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है अगर आप यहाँ इसके साथ लिंक करोगे तो वो इजिली क्या हो सकता है रेप्लीकेट हो सकता है फोर्थ है विल द एक्सपेरिमेंट बी सक्सेसफुल इफ एलियन डी एन एज लाइगेटेड एट हिंद थ्री डिस्ट्रिक्शन साइट गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर तो सपोज आपने हिंद थ्री साइट से कट किया और यहाँ पे आपने एलियन डी एन ए डाला क्या ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा द एक्सपेरिमेंट विल नॉट बी सक्सेसफुल ये सक्सेसफुल नहीं होगा डीएनए इज लाइक इट एट दिंद थ्री रिस्ट्रिक्शन साइड तो हिंद थ्री में आपने फॉरन डी एन ए डाल दिया और जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया यहां पे ना कोई सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट नहीं है मतलब यहाँ पे ना तो एम्पिसिन रिसेंट या तो टेट्रासाइक्लिन साइक्लिन जीन यहाँ पे प्रेजेंट है तो अगर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन भी गया बट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सो दैट्स वाई ये जो एक्सपेरिमेंट होगा वो सक्सेसफुल नहीं होगा आई होप आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन समझ आए हो सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय